Subscribe and click the bell icon for all the television updates. बेटा हाफ से मिली कैसे कब कहाँ? ओह माय गॉड, अगर आप लोग जब ये स्टोरी पूछते हो तो आई थिंक आप लोग को सुबह से लेके शाम भी हो जाएगी. मैं आई विल स्टार्ट टॉकिंग अबाउट हिम. से बहुत गलत सवाल पूछ लिया क्योंकि आप लोग शायद बोर हो जाओ, लेकिन मैं उनके बारे में, नितेश के बारे में बात करते करते मैं बोर नहीं होती. तो हम लोग सारावन के सेट पर मिले. वहाँ पर वो ही वॉज डायरेक्टिंग मी, ही वॉज डायरेक्टिंग अ शो एंड आई वॉज डूइंग अ लीड इन दैट शो. एंड वैसे नितेश को इंडस्ट्री से नहीं करना था शादी वाली, बट पता नहीं इनको मैं कैसे पसंद आ गई. सो आई थिंक आई एम वेरी लकी अबाउट इट. सो या फॉर मी ही इज़ माई वर्ल्ड, ही इज़ माई एवरी थिंग, ही इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, ही इज़ माई एनिमी ऑल्सो, वी फाइट एंड वी लव, ही इज़ माई फ्रेंड. बहुत ही हाँ, लेकिन नहीं, मुझे भी वो पसंद आ गए थे, बट उनका प्रपोजल ना बहुत ही आजकल टाइप्स का नहीं था. पता है कैसे? सीधे मुझे बोला कि सी लाइक आई वुड लाइक टू गेट मैरिड टू यू इफ़ यू डोंट माइंड. मुझे लगा कि मस्ती कर रहे हैं ना, या मतलब कोई ऐसे कैसे प्रपोज करता है, लाइक कुछ ऐसी बहुत हमारी यू नो. तो मैंने थोड़ा सा टाइम लिया, मम्मी को एक दिन सेट पर बुलाया, दिखाया एंड ऑल दैट, एंड दे लाइक ही इज़ वेरी ही इज़ अ जेंटलमैन. ही इज़ लाइक, मैं एट टाइम्स आई आस्क नितेश कि आपको मुझ में ऐसा क्या लगा दैट यू हैव चोजन मी, लाइक आपने मुझे सेलेक्ट किया, बिकॉज मुझे लगता है कि आपको मुझसे बेटर बहुत सारी लड़कियाँ मिल सकती है, बट फॉर मी ही इज़ द बेस्ट. बहुत हमेशा ही स्पेशल फील करवाते हैं. आई मीन हमें अभी ऑलमोस्ट वी हैव कम्प्लीटेड 3 years ऑफ आर मैरिज, अप्रैल में 4 years होगा, तो अभी भी वी आर स्टिल द सेम. मतलब ऐसा लगता नहीं है, मतलब टच वुड, थैंक गॉड एंड भगवान करे हम लोग ऐसे ही रहे. सो स्पेशल तो मुझे हमेशा ही स्पेशल फील, मतलब ऐसा कोई एक मोमेंट नहीं है लाइक मेरा. आई थिंक मैं फ़र्स्ट टाइम भी, हाँ ये चीज़ बोल सकती हूँ, फ़र्स्ट टाइम हम लोग अब्रॉड जो गए थे, हम लोग साथ में ही गए थे, तो मुझे तो ऐसा था कि अगर मुझे कहीं भी ले जाते आई वुड हैव बीन लाइक यू नो कि वाओ यहाँ ले गए हैं. बट ही चोज लाइक पेरिस, दैट वाज द फर्स्ट डेस्टिनेशन वी वेंट टुगेदर. एंड स्पेशल मोमेंट्स तो बहुत सारे, मैंने आई एम विद हिम आई ऑलवेज फील स्पेशल. अच्छा, कोई अपने रिलेशनशिप की अगर एक कोई स्ट्रेंथ बताने वाली बात हो तो वो क्या आपको? आई थिंक हम एक दूसरे को, मैं और नितेश, हम दोनों कभी 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 झूठ नहीं बोलते. आई मीन ऐसा भी हुआ है कोई लड़के ने अगर मुझे प्रपोज भी किया है तो मैं आके वो नितेश को सब बताती हूँ कि यार उसने, अब ठीक है आप लड़की हो या कोई लड़का है, कोई उनको करे या मुझे करे, इट्स ओके भी, मतलब ठीक है लोग, आप अच्छे दिख रहे हो, लोगों को पसंद आ रहे हो, उसमें कोई गलत नहीं है. बट हम दोनों के रिलेशन में ऐसे मैं सब बताती हूँ एक एक चीज़, लाइक जिन लोगों से वो नहीं भी मिले हैं, नितेश उनको जानते हैं क्योंकि मेरी वो हैबिट है, मैं सारी बातें बताती हूँ. मतलब आई डोंट, मैं कुछ भी नहीं छुपाती, चाहे उसके लिए कभी कभी थोड़ा आर्ग्यूमेंट भी हो, बट दैट इज़ ओके. मुझे लगता है कोई भी रिलेशन में जब सच्चाई होती है तो बहुत ही प्यारा रिलेशन हो जाता है. सो ट्रुथ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, चाहे वो कुछ भी हो. इतने जल्दी मेरे फैंस तो मुझे नहीं देखना चाहते, शादी मैंने थोड़ी जल्दी कर दी है, लेकिन अभी टाइम है. आई लाइक आई कांट राइट नाउ, आई डोंट वांट टू, वी डोंट वांट टू इन फैक्ट. सो बहुत अर्ली हो जाएगा. लोग तो मुझे सवाल पूछते हैं कि आप क्या 2 से 3, लोग तो मुझे हर बार ये पूछते हैं कि आर यू मैरिड, डू यू हैव अ बॉयफ्रेंड, ये सवाल पूछते, तो मुझे बताना पड़ता है यस आई एम मैरिड, यस आई एम मैरिड. प्यार के अगर कुछ मायने अगर आपसे पूछे जाए चंद शब्दों में बताना हो तो वो क्या होंगे? मायने मतलब क्या होता है? वैल्यू. प्यार की वैल्यू, लाइफ कितनी ब्यूटीफुल लगती है आपको दुनिया, जब आप प्यार में होते हो और आपका जो पार्टनर होता है वो आपसे बेहद प्यार करता है, तो लाइफ इज़ जस्ट ब्यूटीफुल. आई मीन इज़ द बेस्टेस्ट थिंग. मतलब आपको एक पेपर भी अच्छा लगेगा, एक पत्थर भी अच्छा लगने लगेगा, यू नो. सो आप उस नज़रिए से देखने लगते हो लाइफ को. एंड यस, मुझे बहुत सारी चीज़ें मैं नितेश से मिलने के बाद सीखी हूँ. मैं अपने लाइफ में बहुत लाइफ को पॉजिटिव रखना, सोचना, यू नो, वो सब मुझे नितेश ने सिखाया कि लाइफ कितनी ब्यूटीफुल होती है.
उनके लिए अगर कुछ कहना चाहे कि प्यार कितना इंपॉर्टेंट रखता है उनके लिए? मैं यही, प्यार चाहे वो अपने बॉयफ्रेंड से हो, अपनी सिस्टर से हो, अपने पेरेंट्स से हो, प्यार तो बहुत ही ब्यूटीफुल चीज़ है लाइफ की, चाहे भगवान से, मतलब प्यार तो, मतलब अगर आप किसी से प्यार करते हो तो बस वो प्यार सच्चाई से निभाओ, एंड मुझे लगता है आपको पूरी दुनिया खूबसूरत लगेगी। आप इस दुनिया में बस प्यार के भरोसे जी सकते हो। मतलब लोग कहते हैं ना कि प्यार के भरोसे नहीं जिया, बहुत लोगों का होता है कि प्यार, नाउडेज पीपल आर वेरी प्रैक्टिकल, बट आई थिंक जब प्यार होता है तो आपको हर चीज़ अच्छी लगती है। सो इट कैन बी एनी काइंड ऑफ लव, लाइक मम्मी से, पापा से। आई ऑल्सो लव माई डैड अ लॉट। आज आपने मेरा ये वाला लव पूछा था तो वो एंगल मैंने बताया। थैंक यू सो मच। थैंक यू, वेलकम।